शुभ शगुन। सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। चुप मत रहो, जवाब दो मुझे। वो नव्या को मैंने वो किसी लड़के के साथ, नव्या किसी और से प्यार करती है और उसका नाम आकाश है। बेचारा युग, ना घर का रहा ना घाट का, सैड फॉर यू शगुन। अरे तुम तो अपने भाई के बारे में जरा सोचते नहीं, बस अपने पति के बारे में सोच रही थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाबू है। यही तो वो ढाल है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अगर मुझे या मेरे पेट में पल रहे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो पूरे खानदान को मैं जेल भिजवा दूं। क्या कर रही हैं? क्यों, क्या तुमने ऐसा? अरे तुम तो प्यार करती हो ना उससे। अब नहीं करती प्यार। चुप से। रुक क्यों गए? मारिया, ये तो रोज की बात है ना। एक टाइम था आप मुझे हाथ तक नहीं लगाते थे और अब हाथ उठाते हैं। मारिया भी। नव्या, नव्या मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिद की वजह से ऑलरेडी 4 जिंदगियां बदल गई हैं। प्लीज और जिद मत करो। मैया प्लीज, मैं ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी। अब मैं डिवोर्स फाइल कर चुकी हूँ और मैं अलग होना चाहती हूँ। नव्या, नव्या, हमारे घर में रिश्ते छोड़े जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। ये तलाक मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। आज तक मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करता आया, लेकिन इस बार तुम्हारी ये जिद मैं पूरी नहीं होने दूंगा। मैंने भी फैसला कर लिया कि अब ये फैसला नहीं बदलेगा। नव्या, शुभ सर, युग तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं नव्या से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद नव्या से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। युग कहाँ जा रहा है? युग, शुभ युग, अपना ड्रामा बंद करो। ड्रामा नहीं नहीं, मैं तो बस आपकी इस मुश्किल घड़ी में साथ दे रही थी। अब नव्या को डिवोर्स देने से मत रोको ना। ये मेरे घर का मैटर है और तुम
निकलो यहाँ। पतिदेव, क्या क्या करते हो आप? हाँ, अब मैं तो आपकी पहली पत्नी हूँ ना, तो आप जहाँ मैं वहाँ। मैं से भला उस इंसान का जिसने मुझे रास्ता दिखाया, उसी ने कहा कि सरेंडर कर दो, और बेल भी उसी ने दिलवाया, और फिर आपके पास भेज दिया। बकवास बंद करो, और जो भी डिजिट सोच के आई हो ना, बोल दो, उतना पैसा दे दूंगा तुम्हें। Very smart. I like it. मुझे ना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपके इस पूरे जायदाद का 50% चाहिए। तो क्या है ना, ज्यादा लालच अच्छी नहीं है। मेरी जायदाद चाहिए तुम्हें, मिल जाएगी। सच? थैंक यू शुभ। ओके ओके सौतन, बाय। जी नमस्ते। 100 करोड़ शिव सर। आप ये क्या कर रहे हैं? आप नैनो कैसे पैसे कैसे ले सकते हैं? लल्ला, इसके जिद के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं थी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता। जिस शुभ जायसवाल को मैं जानती हूँ, वो किसी की भी धमकी से नहीं डरता। लेकिन वो शुभ जायसवाल इस वक्त अपने टूटते हुए परिवार को बचाना चाहता है। इस वक्त मेरे लिए नव्या और शुभ के रिश्ते को बचाने के अलावा कुछ जरूरी नहीं। ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें कहते हो ना कि परिवार रिश्तों से बनते हैं, पैसों से नहीं। हाँ शुभ सर, ये सच है, ये मैंने ही कहा था। देखिए, अगर नवे आपकी बहन है तो युग मेरा भाई है, हम दोनों मिलकर में समझाएंगे, सब ठीक कर देंगे। पर इस वक्त नैना को सिचुएशन का फायदा उठाने नहीं दे सकते। तो क्या करूं मैं? शुभ सर, आपने शायद नैना को सही से सुना नहीं। वो जो भी कर रही है उसके पीछे उसकी कोई मदद कर रहा है, और उसे जो भी सपोर्ट कर रहा है वो नैना को इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने देंगे। धन्य हो प्रभु, क्या मार्ग दिखाया आपने, क्या बात है। मुझे शुभ की पहली पत्नी बना दिया और मुझे जेल से भी छुड़वा दिया। शुभ 100 करोड़ देने के लिए मान भी गया है, अब आगे का भी मार्ग दिखा दीजिए। आगे का मार्ग थोड़ा सा पेचीदा है। शुभ तो मान गया, मगर शकुन वो उसे इतने आसानी से पैसे नहीं देने देगी। मैं आपको इतनी आसानी से हार नहीं मानने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको किसी भी हालत में हारने नहीं दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है।